अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आई होप कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 क्लास चैप्टर नंबर 8 सॉरी चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 की, क्लास 9 कराची बोर्ड। चैप्टर नंबर 8 का नाम था केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी की ये फोर्थ वीडियो स्टूडेंट्स, अभी तक हम तीन वीडियोस अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। जो फोर्थ वीडियो है इट इज अबाउट सॉफ्ट मेटल्स एंड हार्ड मेटल्स एंड देयर डिफरेंसेस एंड एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेटल्स की। बात करें कि मेटल्स जो होते हैं ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये मेटल्स छुरी से काटे जा सकते हैं, ये जो है ना नाइफ से कट की जा सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही हार्ड होते हैं। मतलब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और आयरन जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, सही ना। हार्डनेस ऑफ मेटल बेसिकली उस मेटल की रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस होती है कि उसके ऊपर कितना स्क्रैच आ सकता है। अगर हम देखें किसी मेटल की हार्डनेस ज्यादा है तो इसका मतलब ये उस मेटल की रेजिस्टेंस ये है कि उस मेटल के ऊपर स्क्रैच कम आएगा। अगर किसी मेटल की हार्डनेस कम है तो उस मेटल के ऊपर स्क्रैच ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी सब कुछ बात करते हैं। जो हार्डनेस ऑफ मेटल्स है इसको हम मोहर्स स्केल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा नाम है इसका मोहर्स स्केल। मोहर्स स्केल के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें दी मेटल्स विच आर स्क्रैच्ड इजीली, वो मेटल्स जिनको जल्दी से स्क्रैच लग जाता है हम उन मेटल्स को कहते हैं सॉफ्ट मेटल्स। जैसे कि अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स के अंदर है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या रुबिडियम हो गया, या लिथियम हो गया, या सारे मेटल्स होते हैं सारे के सारे, सीजियम वगैरह हो गए, ये सब कहलाते हैं सॉफ्ट मेटल्स। जो मेटल्स ज्यादा आसानी से स्क्रैच नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो करते हैं टुवर्ड्स स्क्रैचिंग, दीज मेटल्स आर कॉल्ड एज हार्ड मेटल्स। जैसे कि निकिल हो गया, ठीक है ना। निकिल के अलावा आयरन, टंगस्टन, ये सब हार्ड मेटल्स कहलाते हैं। सॉफ्ट मेटल्स एंड हार्ड मेटल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोडियम के रेफरेंस से और आयरन के रेफरेंस है। बच्चों जो सोडियम का सिंबल होता है वो कहलाता है एन ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम का सिंबल होता है एन ए। सोडियम और आयरन के रेफरेंस से हम सॉफ्ट मेटल्स और हार्ड मेटल्स के दरमियान के डिफरेंस को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का सिंबल है एन ए, आयरन का सिंबल है एफ ई। देखिए सोडियम जो है ना वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि हम इसको छुरी से भी काट सकते हैं, इट कैन बी कट इजीली विथ नाइफ, इसको छुरी से भी काटा जा सकता है। जबकि आयरन जो होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, इट इज हैमर्ड टू फॉर्म शीट्स एंड वायर्स। जो आयरन है इस आयरन को हम क्या करते हैं, हैमर करते हैं इसको, हम बेसिकली इसको हैमर कर करके इसको हथौड़ी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स के अंदर और वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इसको हथौड़ी में मारो कुछ नहीं होगा और सोडियम को सिर्फ छुरी से भी काटो कट जाएगा, इतना सॉफ्ट और इतना हार्ड, इतना बेसिक डिफरेंस है। मजीद बात करते हैं, जो सोडियम होता है ये लाइट होता है, इसका वजन बहुत कम होता है, इसकी डेंसिटी भी काफी कम होती है, इसकी डेंसिटी होती है 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो एक हैवियर मेटल है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी होती है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस और सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 890 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क है। अगर हम बात करते हैं आयरन की तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है तकरीबन 1535 1535 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 2450 यानी 2450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बात करते हैं हम नोबल मेटल्स की। बात करते हैं नोबल मेटल्स, बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबल मेटल्स जो है ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करते हैं नोबल मेटल्स की तो नोबल मेटल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल है, नोबल मेटल्स के अंदर शामिल है गोल्ड, गोल्ड सोना, सोना शामिल है, सिल्वर शामिल है, प्लेटिनियम शामिल है नोबल मेटल्स के अंदर, इरिडियम शामिल है, ऑस्मियम शामिल है, रोडियम शामिल है, रुथेनियम शामिल है, पैलेडियम शामिल है। जो नोबल मेटल्स होते हैं ये काफी ज्यादा कीमती होते हैं, इनके नाम से ही साफ जाहिर है कि ये मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, काफी ज्यादा कीमती होता है। इनके बारे में बता रहे हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का मतलब ये इनको इतनी आसानी से जंग नहीं लगता, ये इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इतनी आसानी से ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता।
डियर फोर्थ, दे शो नो रिएक्शन विद एटमोस्फेरिक गैसेस। नोबल मेटल्स के बारे में बात बता रहे हैं, नोबल मेटल्स का एटमोस्फेरिक गैसेस के साथ में कोई रिएक्शन नहीं दिखता और ये रेजिस्ट करते हैं कोरोजन को, यानी कि ये आमतौर पे इनको जंग नहीं लगता, ये जंग से अपने आपको महफूज रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, कमर्शियल वैल्यू क्या है, सिल्वर की, गोल्ड की या प्लेटिनियम की। कमर्शियल वैल्यू का मतलब यह है कि बच्चों हम इसको सोसाइटी में, इंडस्ट्री में या आम तौर पर डेली लाइफ के अंदर हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर की क्या वैल्यू है। आइए जरा बात करते हैं सिल्वर की क्या वैल्यू है। सिल्वर को वाइडली यूज किया जाता है सोसाइटी के अंदर, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर सिल्वर को। सिल्वर को हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, चीजों को सजाने के लिए हम सिल्वर की फॉइल वगैरह यूज करते हैं। सिल्वर के टेबल वेयर्स बनाते हैं क्योंकि सिल्वर को जंग नहीं लगता, सिल्वर टार्निश नहीं होता, इसको धब्बे नहीं लगते, सही ना। इस तरह सिल्वर जो होता है अपनी सिल्वरी शाइन को, ये अपियरेंस, सिल्वरी शाइन अपियरेंस को, शाइनी अपियरेंस को ये मेंटेन करके रखता है। सिल्वर को हम क्या करते हैं, ये मिरर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि आईना बनाने के लिए हम सिल्वर को यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर जो होता है काफी ज्यादा बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है विजिबल लाइट का, ये जितनी भी लाइट आ रही होती है उस विजिबल लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सिल्वर जो है और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाता है, सिल्वर सल्फेट बनाता है, सही ना। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, ऐसे कंपाउंड बनाता है कि जिन कंपाउंड्स की सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये कंपाउंड्स बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह। सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं गोल्ड की। भाई आपको गोल्ड की तो क्या ही बात बताऊं, गोल्ड तो आप समझ लें कमर्शियल वैल्यू इस एतबार से बहुत ज्यादा है क्योंकि इसको हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं। गोल्ड हैज इंपॉर्टेंस इन आर सोसाइटी। गोल्ड को हम क्या करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल समझते हैं। गोल्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको हम मेनली ज्वेलरी के अंदर यूज करते हैं क्योंकि इसकी शाइन बहुत ज्यादा होती है। इट हैज वेरी हाई लस्टर, इसका लस्टर बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि इसकी शाइन बहुत ज्यादा हाई है। ये येलो गोल्डन कलर का होता है, ये भी रेजिस्टेंट होता है, टार्निश रेजिस्टेंट होता है, यानी कि जंग लगने से अपने आप को महफूज रखता है, इसको गोल्ड को भी जंग नहीं लगता है। ज्वेलरी के अलावा इसके क्या क्या यूजेस है, तो ज्वेलरी के अलावा गोल्ड को हम लोग वायर्स को कनेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिप्स बनाने के लिए यूज करते हैं, स्विचेस बनाने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम कुछ चीजों कुछ मतलब यानी कि कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए, कॉन्टेक्ट्स को रिले करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम गोल्ड का यूज करते हैं। ये काफी रिलायबल सब्सटेंस है गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। गोल्ड को हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को सेल फोन्स के अंदर यूज करते हैं, मोबाइल्स वगैरह के अंदर हम लोग लगाते हैं, जो महंगे महंगे फोन आते हैं उन महंगे महंगे फोन के अंदर जो पतली वतली वायर्स लगी हुई होती है आमतौर पर वो गोल्ड की लगी हुई होती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जो जीपीएस डिवाइसेस हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग डिवाइसेस, पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस डिवाइसेस जो होती हैं, जीपीएस सिस्टम जो होते हैं या कैलकुलेटर्स के अंदर भी गोल्ड की कभी कभार वायर्स होती हैं, लेकिन मेन यूज जो है गोल्ड का वो तो ज्वेलरी ही है। आगे बात करते हैं, गोल्ड को हम लोग लैपटॉप्स के अंदर यूज करते हैं, लैपटॉप्स के अंदर कुछ ट्रांजिस्टर्स के अंदर गोल्ड की वायर्स लगी होती है, कंप्यूटर्स के अंदर लगी हुई होती है, फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए, एक्यूरेट ट्रांसमिशन के लिए गोल्ड के हम लोग क्या नाम है चिप्स वगैरह यूज करते हैं, कुछ कुछ गोल्ड का मटीरियल उसके अंदर शामिल होता है ट्रांजिस्टर्स के अंदर, चिप्स के अंदर, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन काफी एक्यूरेट जाती है। गोल्ड को डेंटिस्ट्री के लिए भी यूज किया जाता है, डेंटिस्ट्री के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि गोल्ड जो है वो केमिकली इनर्ट होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, नॉन एलर्जिक होता है, इससे एलर्जी भी नहीं होती और डेंटिस्ट बड़ी आसानी से इसके साथ में काम कर सकते हैं। स्टिल आप याद रखें गोल्ड का जो मेन यूज है वो क्या है, जबरदस्त ज्वेलरी। आगे बात करते हैं प्लेटिनियम की। बच्चों प्लेटिनियम जो है वो एक सिल्वरी व्हाइट एलिमेंट है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है, ये भी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इसको भी जंग नहीं लगता, ये कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, इसको भी जंग नहीं लगता। ये जो होता है पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल होता है, पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जो प्लेटिनियम है ये मैग्नेट से क्या होता है, ये मैग्नेट से बच्चों अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। हम इसको क्या कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो प्लेटिनियम को हम बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं ताकि उन रिएक्शंस को ये प्लेटिनियम स्पीड अप करे, ठीक है, तेज करे। अब यहाँ पे प्लेटिनियम के बारे में बात करें, प्लेटिनियम को हम कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर भी यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर,
आपने करोला गाड़ियों के अंदर शायद देखा हो, लिखा होता है कैटेलाइटिक कन्वर्टर। तो उस कैटेलाइटिक कन्वर्टर के अंदर प्लेटिनियम का यूज होता है आमतौर पे। अब आगे बात करें, इट हेल्प्स द कंप्लीट कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो जब हम इसको कैटेलाइटिक कन्वर्टर के तौर पे यूज करते हैं तो होता क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स की कंप्लीट कम्बशन करता है, और हाइड्रोकार्बन से जो धुआं निकलता है, इनके जलने की वजह से जो धुआं निकलता है, एयर पोल्यूटेड जो इमिट होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज के दिन हमने डिस्कस किया कमर्शियल वैल्यू ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, इनके बारे में डिस्कस किया, नोबल मेटल्स के बारे में डिस्कस किया, सॉफ्ट मेटल एंड नॉन मेटल्स के दरमियान का जो डिफरेंस है हमने उसको समझा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।